नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पोलैंड के लिए थोड़ा सा टाइम और बढ़ा दिया है अप्लाई करने के लिए, क्योंकि पिछले वीडियो मैंने 13 तारीख का लास्ट डेट दिया था। बट अभी जो लोग भी पोलैंड में अप्लाई करना चाहते हैं वो गुरुवार तक हमारे ऑफिस आ सकते हैं। गुरुवार 12 बजे से पहले आएंगे तो उनका फाइल हम प्रोसेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, रिक्वायरमेंट्स को मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास 5 टाइप की रिक्वायरमेंट्स हैं। पहले कंस्ट्रक्शन लेबर की रिक्वायरमेंट है, क्लीनर की रिक्वायरमेंट है, वेयरहाउस हेल्पर की रिक्वायरमेंट है, ग्लास फैक्ट्री वर्कर की रिक्वायरमेंट है, फिश फैक्ट्री वर्कर की रिक्वायरमेंट है। ये 5 टाइप के प्रोफाइल्स में अभी हमारे पास में रिक्वायरमेंट है। दोस्तों, ये रिक्वायरमेंट अभी लाइव है, एक्टिव है, और एक जनरल वर्कर कार असेंबलिंग में भी रिक्वायरमेंट है। 6 टाइप की रिक्वायरमेंट है। इन सभी प्रोफाइल्स के लिए अभी इसमें से 5 टाइप के प्रोफाइल के लिए मिस सभी प्रोफाइल बोल सकते हैं, 6 प्रोफाइल में, चाहे वो कार असेंबलिंग के लिए हो, वर्कर तो वर्कर सभी में ही है, लेकिन अगर वो कार असेंबलिंग में हो या ग्लास फैक्ट्री के लिए हो, फिश फैक्ट्री के लिए हो, या फिर कंस्ट्रक्शन लेबर के लिए, कंस्ट्रक्शन जो हेल्पर होते हैं उसके लिए, या फिर क्लीनर के लिए, या वेयरहाउस हेल्पर के लिए, किसी भी प्रोफाइल में अप्लाई करना चाहते हैं वो हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। और दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको ऐड ऑन करना चाहूँगा कि अभी पोलैंड के ऊपर हमारा फोकस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। जैसे मैंने पहले बोला था कि हमारा फोकस एरिया कौन कौन से, हमारे फोकस्ड एरिया हैं गल्फ कंट्री, सिंगापुर, मलेशिया और यूरोप में पोलैंड। सो अभी हम पूरा ट्राई कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पोलैंड में और भी वैकेंसी एक्सप्लोर करने के लिए। सो जो लोग भी पोलैंड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वहाँ पर मैं इतनी बात क्लियर कर दूँ कि वहाँ पर सिर्फ हेल्पर कैटेगरी जॉब मिलेगी, और हेल्पर कैटेगरी में कोई भी दूसरी टाइप की प्रोफाइल्स होगी उसके लिए भी हम अप्रोच कर रहे हैं, और बहुत जल्दी हमारे पास में ऐसी वैकेंसी आने वाली है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा जो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता जाता है, वैसे वैसे कैंडिडेट के जो प्रोफाइल्स को एक्सेप्टेंस की कैपेसिटी बढ़ती जाती है। सो जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं पोलैंड जाने के लिए, एज लिमिट ध्यान में रखें, क्राइटेरिया ध्यान में रखें। मैं क्राइटेरिया एक बार बोल देता हूँ, मैं कोई भी कैंडिडेट 20 साल से लेकर 40 साल के बीच में कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, 20 से 40 साल के बीच में। वैसे 44 साल के लोग भी ले सकते हैं, लेकिन उनका केस डिपेंड करता है। फिजिकल अपीयरेंस देखना होगा, फिटमेंट देखना होगा, फिजिकल फिट कैसे हैं और उनके एनर्जी लेवल क्या है, वो सब देखते हुए उनको प्रोसेस करेंगे। इंग्लिश का लेवल भी देखना होगा, इंग्लिश मीन्स एवरेज कम्युनिकेशन तो होना चाहिए, बात करें तो समझ में आना चाहिए। सो पहला क्राइटेरिया होगा एज लिमिट, 20 साल से लेकर 40 साल के बीच में लोगों को प्रायोरिटी मिलेगी। वैसे प्रायोरिटी 30 तक 35 तक मिलती है, लेकिन 40 तक ट्राई कर लेंगे, बट कुछ केस को हम 41 42 43 40 तक भी ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये चीज़ें केस टू केस होती हैं, वो चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करनी होगी, क्योंकि हम इसमें ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि 20 से 40 फिक्स है तो फिक्स है। कई बार ऐसा होगा कि बंदा 38 का होगा लेकिन फिट नहीं होगा तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो क्राइटेरिया, वो मैं आपको पहले बोल देता हूँ, मैं एज लिमिट 20 से 35 वालों को बहुत प्रायोरिटी दी जाती है, और 35 से 40 वालों को प्रोसेस कर दिया जाता है और उनका वीज़ा हो जाता है, राइट। लेकिन 40 से लेकर 44 के बीच में डिपेंड करता है उनकी प्रोफाइल के ऊपर, फिटमेंट के ऊपर, फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, उनका वेट कैसा है, फिजिकल स्ट्रांग है कि नहीं, मेडिकल स्ट्रांग तो होना ही होना चाहिए। ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और 12वीं पास होना कंपलसरी है, 12वीं पास होना कंपलसरी है, और इंग्लिश एवरेज कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर ये चारों चीज़ें हैं तो कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है और आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। सो दोस्तों, इसमें किसी भी प्रोफाइल के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं उनका प्रोसेस कैसे होता है मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ मैं, और फिर थोड़ा सर्विस चार्ज के बारे में बताऊँगा, और उसके बाद फिर जो जो प्रोसेस करना है उसके बारे में बताऊँगा। अभी कोई भी कैंडिडेट जो प्रोफाइल्स मैंने बताई उनमें अप्लाई करना चाहता है तो वो थर्सडे 12 बजे से पहले, थर्सडे का मतलब 18 तारीख 12 बजे से पहले अगर हमारे ऑफिस आएंगे तो हम उनका प्रोसेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अभी सोमवार, मंगलवार, मिस शनिवार, रविवार नहीं, शनिवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, इन चारों दिन में कभी भी कैंडिडेट्स आ सकते हैं, शनिवार को भी आ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो सैलरी स्लैब है ना, सैलरी स्लैब का अलग अलग होता है, वो माइंडसेट रखना होगा कि आपको जैसे आपका सिलेक्शन कहाँ होगा उसके हिसाब से कमिटमेंट माना जाएगा। इसमें पहले से कोई कमिटमेंट नहीं होगा कि आपको इतनी सैलरी मिली जाएगी या ये प्रोफाइल हो ही जाएगा, वो असेसमेंट के बाद हम कंफर्म करेंगे। सो अब प्रोसेस कैसे होता है, आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए, डॉक्यूमेंट में स्कैनिंग कॉपी प्रॉपर तरीके से सबमिट किया, एग्रीमेंट साइन किया, एग्रीमेंट के टाइम पर कुछ प्रोसेस फीस भी जमा होती है वो जमा किया, उसके बाद आपका प्रोसेस चालू हो जाएगा। उसके बाद में फिर आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन में वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कभी कभी अगर जरूरत पड़ी तो शायद एम्प्लॉयर टेलीफोनिकली या वीडियो कॉलिंग करके बात कर सकता है। सिलेक्शन कन्फर्म हो गया तो ऑफर लेटर आएगा, ऑफर लेटर आने के बाद फिर बाकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आएंगे। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आने के बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की पहले जीरो स्कैन कॉपी आएगी, सॉफ्ट कॉपी, फिर उसके बाद में उनकी हार्ड कॉपी आएगी। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी आने के बाद में फिर VFS में उसका अपॉइंटमेंट लिया जाएगा वीज़ा के लिए, डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए। VFS में अपॉइंटमेंट के टाइम पर वैसे तो सिंपल प्रोसेस होती है, इसमें इंटरव्यू होता भी है नहीं भी होता है,
होता कैसा है मैं आपको बताऊं, जब डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो डॉक्यूमेंट सबमिट सबमिशन के टाइम पर उनको लगना चाहिए कि बंदा सही तरीके से जाने वाला है वहाँ पर, लाइक ऐसा बिल्कुल प्रतीत नहीं होना चाहिए कि ये बंदा वहाँ बसने के लिए जाने वाला। सो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। अगर प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट सबमिशन करेंगे, प्रेजेंटेशन बराबर होगा, बंदे को इंग्लिश बोलना आती होगी तो उससे ज़्यादा क्वेरी नहीं होगी, डॉक्यूमेंट सबमिशन हो जाएगा, उसके बाद में सीधा उसका वीजा स्टैंपिंग हो जाएगा। लेकिन जो इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे उनके ऊपर डाउट्स होते हैं, फिर उन पर क्वेश्चन पर क्वेश्चन करते हैं, कई बार कैंडिडेट आंसर नहीं कर पाते तो वो रिजेक्ट हो जाते हैं। प्रोसेस सिंपल है, उसके ऊपर हम आपको गाइड कर देंगे डेफिनेटली। और उसके बाद वीजा स्टैंपिंग हो जाएगा, वीजा स्टैंपिंग के बाद में कैंडिडेट को पेमेंट करना होगा, पेमेंट करने के बाद में फिर उनका लाइक जो टिकट वगैरह होगा उसके आपका एम्प्लॉयर के हिसाब से, एम्प्लॉयर कौन सी डेट में बुलाना चाहता है उसके हिसाब से उनको टिकट मिल जाएगा, चले जाएंगे। पेमेंट इसमें 3 या 4 पार्ट में करना होगा, डिपेंड करता है प्रोफाइल टू प्रोफाइल कौन सी प्रोफाइल में कर रहे हैं उसके हिसाब से, किसी में 3 पार्ट में पेमेंट करना है, किसी में 4 पार्ट में पेमेंट करना है। लेकिन जो भी सर्विस चार्ज है उसको 3 या 4 पार्ट में पे करना होता है, इंडिया में ही पे करना होता है, इसमें वहाँ पर सैलरी डिडक्शन का कोई ऑप्शन नहीं होता है। अब दोस्तों मैं कई बार इस टाइप का कमेंट सुनता हूँ मैं कि इसमें बहुत ज़्यादा चार्जेस है, मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकता। दोस्तों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, हम सभी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। जो भी आपकी कैपेसिटी में हो, जो आपके बजट में हो, जो कैंडिडेट को लगता है कि उनका बजट कम है तो उनके बजट में जो है वहाँ पे चले जाएं। करियर प्लानिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग बोलते हैं कि इंडिया में इतना अर्न कर सकते हैं, तो दोस्तों कर सकते हैं, लोग करते भी हैं, तो आप कीजिए ना। लेकिन जो जाना चाहते हैं उनको जाने दीजिए और उनको मोटिवेट करना चाहिए। जो लोग जिनका बजट बनता है वो जाएं, जिनका नहीं बनता है उन पर दूसरे ऑप्शंस हैं, गल्फ कंट्री जाएं, दुबई जाएं, मलेशिया जाएं, मालदीव जाएं, रशिया जाएं, जहाँ पे भी उनका हो सकता है वहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन यूरोप के काम में पैसा खुद लगता है तो लगता है, वो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें कोई आपको कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेगा कि आपको जाना ही चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यूरोप में लोग पैसा क्यों खर्च करते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ का आगे जो प्लानिंग होता है ना वो स्ट्रांग हो जाता है, करियर प्लानिंग काफ़ी मजबूत हो जाती है, क्योंकि यूरोप में उनको सेटल होने के लिए, पीआर के लिए, पासपोर्ट के लिए सारी फैसिलिटी मिल जाती है, स्टेप बाय स्टेप सैलरी भी बढ़ती है उनकी। सो जो लोग भी इस इस रेंज में आते हैं कि वो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और जिन लोगों को जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग किसी भी दूसरे ऐसे देश में जाए जहाँ पर वो उनका बजट परमिट करता हो। दोस्तों अब एक बात रहती है इसमें इंक्वायरीज की, इंक्वायरी के लिए आप ऑफिस टाइम में कॉल करेंगे। और वैसे यूरोप जाने वाले लोग जो सबसे पहले 2 चीज़ ध्यान में रखें, 12वीं पास होना चाहिए और इंग्लिश होना चाहिए, ये 2 चीज़ें अगर हैं तो ही वो इसमें ट्राई कर सकते हैं। और उनके जो फीस है, फीस का जो बजट होना चाहिए, राइट, क्योंकि सभी फीस इंडिया में ही देनी पड़ती है। सो दोस्तों जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो हमारे जो नंबर दिए जाएंगे उन नंबर पर ऑफिस टाइम में 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में कॉल करेंगे। सोमवार शनिवार छुट्टी वाले दिन है, छुट्टी के बाद कॉल नहीं करेंगे। अगर आपने वीडियो छुट्टी के बाद देखा या छुट्टी वाले दिन देखा तो फिर आप एक काम करेंगे कि व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करेंगे। व्हाट्सएप मैसेज में आपका पूरा नाम, सिटी, अपडेट पोजिशन मैंशन करने के बाद में आपको क्या क्या जानकारी चाहिए वो मैंशन करेंगे। ये जानकारी मैंशन करने के बाद फिर आपको हमारी तरफ से कॉल बैक आ जाएगा। अच्छा, कॉल बैक कैसे आएगा? कॉल बैक ऐसे आएगा कि आप जब भी मैसेज करेंगे उसके 2nd या 3rd वर्किंग डे में आपको कॉल आ जाएगा। मीन्स आने वाले 1, 2, 3 वर्किंग डेज में कॉल आएगा। जैसे शनिवार को शाम को 7 बजे आपने मैसेज डाला है तो आपको कॉल आएगा सोमवार, मंगलवार या बुधवार को, राइट। संडे को बिल्कुल कॉल नहीं आएगा, उसकी उम्मीद भी ना करें। और आप शाम को लेट करेंगे तो डेफिनेटली उसका रिस्पॉन्स नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमारे ऑफिस टाइम है, हम उसी टाइम में काम करते हैं। सो दोस्तों जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो डॉक्यूमेंट्स लेके 18 तारीख से तक 12 बजे से पहले आ जाएंगे, सभी डॉक्यूमेंट प्रॉपर स्कैन हो वो लेके आए तो हम उनका प्रोसेस कर सकते हैं। दोस्तों वैकेंसी कैसे लेकर पसंद आई तो अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, जिससे कि रिलेवेंट लोग इसमें लाभ ले सकते हैं और वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।